राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत। एक किसान था, वही उसके पास बहुत धरती थी, पता नहीं कितने किलो का मालिक था वो। तो भाई किसान तो था वो, धरती भी अच्छी थी उसके पास, लेकिन थोड़ा सा दिमाग कम था। तो उसके दो तीन किले जो है, मतलब और किले तो सब इकट्ठे थे, लेकिन दो तीन किले उसके थोड़ी सी दूर पड़े थे। तो भाई उसने सोची कि भाई ये दूर पड़ा है, पानी जो खेत जब खेती हो गए तो पानी देने में, खेत खेती में जो पानी लगा हुआ है उसमें मुश्किल हो गया। तो उसने सोची कि मैं जो है भाई यही ये दो तीन किले हैं इनका अलग पानी का इंतजाम कर दूँ। तो भाई तो उसने सोची चल मैं कुआँ खोद दूँ। तो भाई वो कुआँ खोदन लगा, तो उसने भाई अच्छा कुआँ खोद दिया, तो कुआ तो पानी ना निकड़ा, तो उसने छोड़ दिया। कितना कुआ खोद लिया, कुछ निकड़ा ना, पानी ना निकड़ा। फिर उसने दूसरी जगह तक खोद दिया, तो वहाँ भी भाई वो कई दिन लगा रहा, कई दिन लगा रहा। वहाँ भी उसने अच्छा कुआ खोद दिया, वहाँ भी ना निकड़ा पानी। कई दिन हो गए, उसने पूरे खेत में गड्ढे गड्ढे कर दिए, लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकड़ा। अब वो बड़ा परेशान, अब भाई ये बात होगी पानी क्यों ना निकलता, पानी तो अपना ऊपर ही है, पर इतने मैंने गड्ढे खोद लिए लेकिन पानी नहीं निकल रहा। वही उसने सारा खेत खोद बगाया और वो परेशान बहुत ज़्यादा। तो एक दिन भाई वो ऐसे सुबह सुबह उठा और अपने खेत की तरफ आ रहा था, तो उसने जो है भाई एक बुजुर्ग आदमी मिल गया, पड़ोस का ही था कोई दादा दुदा। तो उसने भाई वो बड़ी सोच विचार में पड़ रहा था, टेंशन में था, और पूरा खेत खोद बगाया और भाई खेत में तो वो कुएं में तो पानी ना निकल रहा, कुएं खोद दिए सारे खेत। तो जो दादा था वो बोला कि बेटा के बात है, कुछ परेशान सा लगे, कुछ बात होगी के। अकना दादा कोई बात ना, घर घर की कुछ परेशानी है। अकना दादा कोई बात ना, बस मैं तो दुखी हो रहा हूँ। अकरे दुखी हो रहा है, के बात होगी बेटा, मेरे तो बता के, बेरा तेरी समस्या का हल मैं कर दूँ। उन्होंने बोले ना दादा मेरी तो समस्या का हल किसी तो होवे ही ना। अब क्यों भाई, ऐसी के समस्या होगी तेरी, अब जो तेरी समस्या का हल ना हो भाई, ऐसी दुनिया में कोई समस्या ही नहीं। अब जिसका हल ना हो, अगर समस्या है तो समाधान भी है, तो भाई तू मेरे तो बता, हो सकता है मैं तेरा समाधान कर दूँ। तो वो लगता था मैंने तो जो है ना सारे खेत में कुएं खोद बगाए, पहले एक 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 खोदया कुआ, कई दिन उसमें लगा रहा जब कुछ निकड़िया ना, फिर और खोद दे, ऐसे ऐसे करके मैंने तो पूरे खेत में कुआ खोद बगाया और भाई मेरे तो उस कुएं में पानी ना निकल रहा। तो बोले चल मेरे साथ, मैं देखूंगा भाई के कराया तने के ना कराया। तो भाई वो दादा जो उसके साथ गया और देखा, तो भाई वहाँ खूब गहरे गहरे उसने कुएं खोद दिए लेकिन पानी नहीं निकला कहीं भी। तब वो दादा बोला अरे मूर्ख, किसी की सलाह भी ले लेकर ये तने पूरे खेत में ये कुएं खोद बगाए, अगर इतनी मेहनत तने इतने इतने करके तने पूरे खेत तने खोद बगाया, अगर इतनी मेहनत तू एक ही जगह कर लेता तो ये कुआ पानी ना निकल जाता। तो भाई उसके बाद समझ में आई, हाँ दादा कह वह तो सही है, मेरा तो दिमाग ने काम ही ना करा, मैंने ये पूरे खेत में कुएं खोद दिए, इतनी मेहनत मैंने करी, मैं दिन रात एक कर दिया, खाना पीना भी भूल गया। अगर मैं एक ही जगह इतनी मेहनत कर लेता तो भाई कुएं में पानी निकल जाता और मेरी भाई फसल भी खराब ना होती। तो भाई उस दादा ने उसकी समस्या का करा समाधान। तो भाई अगर आपके पास भी कोई समस्या है तो भाई अपने जो बड़े बुजुर्ग जो अपने बड़े बूढ़े हैं, बड़े बुजुर्ग है, कोई आपका यार दोस्त है, कोई आपका हितेशी है, कोई आपकी मदद करने वाला, कोई आपको अच्छी सलाह देने वाला है, तो भाई अगर आपकी कोई समस्या है तो उनके आगे आप जो शेयर ज़रूर करें भाई। हो सकता है आपके पास आपकी समस्या का हल ना हो, आपका कोई हितेशी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई दादा परदादा, पड़ोसी जो आपकी मेयर करता हो सकता है उसके पास आपकी समस्या का समाधान हो, तो भाई शेयर ज़रूर करें अपनी समस्या। पूरे घर पूरे खेत में कुएं खोदने की ज़रूरत नहीं है, जगह जगह ढिंढोरा अपनी समस्या का जो है जगह जगह कहने की समस्या ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही जो आपको लगे हाँ भाई ये मेरी समस्या का समाधान कर सकता है, उसी के आगे आप अपनी समस्या बताइए, हो सकता है वो आपकी समस्या का समाधान कर दे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।